गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बनाएंगे रंगोली। रंगोली जो है हम लोग बहुत सारे त्यौहार में इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि ये रंगोली हम अभी पेंसिल के द्वारा दिखाएंगे, जैसे शेडिंग करके ही दिखाएंगे। मैं किस तरीके से बनाएंगे वो आपको ध्यान देना है। जैसे मैं सबसे पहले एक कंपास लिए, कंपास के द्वारा हम करेंगे, जैसे आपके सामने हम दिखाएंगे। सबसे पहले तो एक बराबर करना है, तो मैं कहाँ से इस तरीके से मैं यहाँ एक डॉट दे रखेंगे, इसमें ये डॉट, ठीक है। इसी डॉट में हम रखेंगे पेंसिल, जैसे यहाँ और यहाँ ये बराबर होना चाहिए। थोड़ी सी यहाँ ले जाऊँगा इस जगह पर, ये आ गया और ये इस साइड आ गया। तो हम अभी इसमें सारे जो रंगली का है ना, ये डबल लाइन होना चाहिए, डबल लाइन ही बनेगा। हम यहाँ से स्टार्ट कर दिए मैंने। ये इतना बड़ा, अब फिर डबल लाइन हम किस तरीके से इसे छोटे होंगे, फिर हम दूसरा लाइन डालेंगे, सिर्फ लाइन का ही काम है इसमें। अब फिर एक लाइन, फिर एक, ये हो गया। आप देखो इसी को हम क्या है, आप पेंसिल किसके कैसे बनाएंगे हम आपको दिखा रहा हूँ मैं। जैसे ये है मेरा मेन पॉइंट, सर्कल का जो मेन पॉइंट है ये है। तो फिर मैं धीरे धीरे इसमें क्या कर जाऊँगा, जैसे ये लाइन मेरा बराबर होना चाहिए इस तरीके से। आप फिर इधर से ये आ गया, फिर ऊपर भी जाऊँगा, ये है। तो यहाँ से फिर निकलना है मुझे इस तरह, फिर यहाँ इन्हें सारा भाग कर लिया हमने ये। अब फिर यहाँ से हम बीच में राउंड करना है इस तरीके से, इस पॉइंट पे आएगा। अब लोग स्केल यूज करना है, क्योंकि मैं हाथ से डायरेक्ट बनाऊंगा इसी तरह से। डबल वन इस्तेमाल करना है, तो फिर हम डबल लाइन इसमें इस्तेमाल करेंगे अभी इसके बीच में। जितना भी है इसमें सारे डबल लाइन होगा। और देखो मैंने किस तरीके से इतना स्ट्रेट लाइन खींच रहा हूँ, क्योंकि इसी तरीके से आपको आपको भी लाइन स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे आप बार बार स्ट्रेट, मतलब क्या है, प्रैक्टिस करेंगे तब जाके ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन हो जाएगा आपका भी।
और अभी तो आप स्केल इस्तेमाल करना है इस रंगोली में, तो आप जगह सही रहेंगे। आप देखो मैंने इसको कैसे बना रहा हूँ फिर दोबारा। यहाँ से मैं जाऊँगा डायरेक्ट यहाँ से आऊँ, ये भी डबल लाइन हो जाएगा ये भी। एक फ्लावर्स की तरह, फ्लावर्स की कली की तरह। जितना भी है ये डबल लाइन होगा इसी तरीके से। हम धीरे धीरे करेंगे पर कम अच्छा होना चाहिए। रंगोली आप बहुत तरीके से कर सकते हैं, अपने अपने मर्जी है, जैसे आपको अच्छा लगे। बहुत सारे फेस्टिवल, बहुत सारे त्योहार पे ये जो है ना रंगोली का इस्तेमाल होता है। आप देखो फिर हम यहाँ भी दे सकते हो थोड़ा छोटा बहुत। बन गया इसी तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं। अब जो यह बीच में खाली स्पेस है मैं इसमें क्या बनाऊंगा देखिए। यहाँ एक बिंदु लगाया मैंने, यहाँ एक बिंदु लगाया, फिर यहाँ एक बिंदु लगाएंगे, ये तीन हो गया 1 2 3, और फिर एक यहाँ लगाएंगे और एक यहाँ, तो ये बराबर होना चाहिए बिंदु। तब जाके मैं कैसे क्या बनाएंगे, अब देख मैं यहाँ से लेके डायरेक्ट यहाँ स्ट्रेट लाइन खींचेंगे इस तरीके से। अब फिर ये मैंने इस जगह पे खींचूंगा इस तरह से। अब फिर ये मुझे बोले पर ये एक स्तर बन गया, तो इसी तरह से डबल लाइन इसको भी आप कर सकते हैं। देखो कितना डिजाइन बन सकते हैं इससे। आप देखो इसमें शेडिंग हो रहा है इस तरीके से शेडिंग। देखिए ये रंगोली फाइनल हो गया। इसी तरीके से आपको भी करना है, जैसे मैंने एक पेंसिल से किस तरीके से शेडिंग के साथ करके देखा है आपको, पर यही है हम लोग का रंगोली।